ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। हेलो दोस्तों, कार मेरे यार का आज का एपिसोड थार के लिए समर्पित है। थार 2020 जो कि जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, लास्ट में बात करते हैं कब लॉन्च होगी। आज दोस्तों उसके सारे वेरियंट्स हमारे सामने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखने में गाड़ी पहली वाली गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इसके फ्रंट की ग्रिल, हेडलाइट्स और नीचे का बम्पर कम्प्लीटली चेंज है, और फर्स्ट टाइम काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं जो पहले कभी नहीं आई थी। जैसे कि अगर एक्सटीरियर में बात करूं तो इसके अंदर जो हार्ट टॉप नज़र आया है वो पहली बार नज़र आया है। इंटीरियर की अगर बात करूँ तो इसके अंदर टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम पहली बार आया है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आगे डिटेल में बात करेंगे हम। और तीसरी बात और है दोस्तों, एक फ्रंट फेसिंग जो सीट्स के साथ साथ ही हमें इसके अंदर इंजन्स के अंदर पेट्रोल और डीजल दोनों की सुविधा मिल रही है पहली बार, जिसके अंदर की मैनुअल और ऑटोमेटिक भी मिल रहा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें नई आई हैं, तो क्या ये गाड़ी सारी सुविधाओं के साथ हमारे पास कुछ जस्टिफाई कर पाएगी अपने आप को? तो चलिए दोस्तों, इस बारे में आज बात शुरू करते हैं, थार 2020 के बारे में। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर दो इंजन ऑप्शंस हैं, तीन तरह के टॉप्स अवेलेबल हैं, यानी कि छत तीन तरह की अवेलेबल है, एक कन्वर्टिबल है, एक सॉफ्ट टॉप है और एक हार्ड टॉप है, और इसके अंदर छः कलर्स अवेलेबल हैं। जो कलर्स हैं उसके डिटेल्स सिर्फ जो बेस वेरिएंट्स हैं, यानी कि AX, AXO और LX, तीन ऑप्शंस हैं इसके अंदर। AX और AXO के अंदर सिर्फ दो कलर्स अवेलेबल हैं, जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर छः के छः कलर अवेलेबल हैं। और आगे डिटेल में अगर हम वेरिएंट्स की बात करें तो AX जो वेरिएंट बेस वेरिएंट है उसकी स्पेसिफिकेशंस एक्सटीरियर में कुछ इस प्रकार से हैं। बोनट लैचेस इसके अंदर मिल जाएंगी, फ्रंट फॉग लैंप्स मिल जाएंगे, LED टेल लैंप्स मिल जाएंगे, स्टील साइड स्टेप्स मिल जाएंगे हमें इसके अंदर, टेल गेट माउंटेड स्पेयर व्हील जो कि इसकी पहचान है वो भी मिल जाएगा, फिक्स्ड सॉफ्ट टॉप मिल जाएगी, व्हील आर्चेस के ऊपर क्लैडिंग हमें मिल जाएगी जो कि इसकी SUV का स्टांस देती है, 16 इंच के स्टील व्हील्स इसके साथ मिल जाएंगे हमें, और जो इसकी फ्रंट की जो ग्रिल है उसके अंदर हमें ब्लैक कलर की एक्सेंट मिल जाएगा, यानी कि वो हमें ब्लैक कलर की मिलेगी फ्रंट ग्रिल की जो वर्टिकल लाइंस हमें देखने को मिलती हैं। अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो विनाइल सीट फैब्रिक अपहोल्स्ट्री हमें देखने को मिलेगी, सेंटर रीडिंग लैंप यानी कि छत के ऊपर एक लैंप है जो सेंटर में लगा हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है, फ्रंट के ऊपर हो तो पीछे कुछ नज़र नहीं आता उससे। 6 सीट का लेआउट इसके अंदर मिलेगा, 2 आगे और 4 पीछे, ये पहली बार है इसके अंदर फ्रंट की तरफ फेसिंग की हुई रियर सीट भी हमें अवेलेबल होंगी, चारों सीट जंप सीट्स होंगी वो। सेफ्टी की अगर बात करूँ तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, 2 एयरबैग, फ्रंट पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, पैनिक ब्रेक सिग्नल, सीट बेल्ट डिमेंडर, ये सारी चीज़ें एज अ स्टैंडर्ड इसके अंदर रखी गई हैं। अगर ऑफ रोडिंग की बात की जाए तो दोस्तों बेस वेरिएंट से ही काफ़ी अच्छे हमें ऑफ रोडिंग के फीचर्स मिल जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव लाइन डिस्कनेक्ट ऑन फ्रंट एक्सल मिल जाएगा हमें, मैकेनिकल लॉक डिफरेंशियल के साथ ही गाड़ी आती है, रिमूवेबल डोर फॉर ऑफ रोड, यानी कि जब हमने ऑफ रोड करना है तो इसके जो दरवाजे हैं वो खोल भी सकते हैं, तो रियली एक हमें ऑफ रोडर मिल रही है। उसके वॉशेबल फ्लोर मिल जाएगा इसके साथ, जिसमें कि ड्रेन प्लग्स भी हमें मिल जाएंगे, अगर आपने पानी अंदर डाला है, धोई है गाड़ी तो उसके अंदर ड्रेन प्लग्स लगे हों उसको निकालिए और पानी सारा बाहर निकल जाएगा। तो ये रियली ऑफ रोडर गाड़ी की एक पहचान है, जिसके साथ कि आप दरवाजे खोल के और साथ में ही फर्श को भी साफ कर सकते हैं, कहीं अगर गाड़ी फंस जाती है या किसी गाड़ी को खींचना है तो इसके अंदर वेल्डेड टो हुक्स हैं जो कि परमानेंटली फिक्स हैं फ्रंट में भी और रियर में भी, ये खासियत भी इसके साथ ही हमें गाड़ी में मिल जाएगी। कंफर्ट की अगर बात करूँ तो 12 वोल्ट की सॉकेट हमें इसके अंदर मिल जाएगी, टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग मिल जाएगा, डे नाइट IRVM हमें बेस वेरियंट से ही मिल जाएगा, सेंट्रल लॉकिंग और मैनुअल AC की सुविधा हमें मिल जाएगी, और जिसका MID है वो मोनोक्रोम रहेगा। इन्फोटेनमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई मैनुअल स्टीरियो ऑक्स टू डिन ऑडियो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं है, सिर्फ एक ऑफ रोडर गाड़ी बना दी गई है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके इंजन ऑप्शंस की, तो इसके अंदर पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन 2.0 और 2.2 लीटर का डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन इसके अंदर हमें मिल जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो मिनिमम चीज़ें हैं वो तो आएंगी ही, इसके ऊपर आ जाता है AX ऑप्शनल वेरियंट, जिसके अंदर इसके अलावा जो चीज़ें आएंगी वो बात करते हैं। एक्सटीरियर से शुरू करते हैं दोस्तों, दोनों गाड़ियों में यानी कि पेट्रोल डीजल दोनों के अंदर हमें रूफ टॉप जो है वो कन्वर्टेबल मिल जाएगा,
उसमें सॉफ्ट हार्ड टॉप था, सॉफ्ट फिक्स था, इसके अंदर कन्वर्टिबल मिल रहा है। और इंटीरियर के अंदर चार सीटों का लेआउट होगा, जो दो आगे दो पीछे सीटों का लेआउट हमें मिल जाएगा। ऑफ रोडिंग के अंदर जो इसके अंदर खासियतें हैं वही पिछली वाली गाड़ी में थी, कुछ भी इसके अंदर डिफरेंट नहीं आएगा। कंफर्ट के अंदर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाएगी, कीलेस एंट्री जो रिमोट के साथ है वो हमें मिल जाएगी, सीट रिक्लाइनिंग हो जाएगी और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाएंगे इसके अंदर। फ्रंट पावर विंडोज़ भी इसके अंदर मिल जाएंगी। इंफोटेनमेंट का इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि थोड़ी सी फीचर्स जोड़ दी गए और कुछ नहीं है। और AX ऑप्शनल के अंदर इंजन ऑप्शन सेम ही है जो नॉर्मल नीचे बेस वेरिएंट के अंदर है, यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन हमें मिल जाएंगे। LX यानी कि टॉप वेरिएंट की बात करो तो फुल बेल्स एंड विसल्स के साथ हमारे सामने आती है, जो कि आइडेंटिकली अलग लगती है गाड़ी, टॉप वेरिएंट लगता है हमें। वो कैसे? एक्सटीरियर से ही पता करते हैं। एक्सटीरियर में हमें डुअल टोन का बम्पर मिल जाएगा, फेंडर माउंटेड रेडियो एंटीना जो कि एक बड़ी सी हैवी मचो लुक देती है गाड़ी को, और मैनुअल, और इसके अंदर हमें कन्वर्टिबल हार्ड टॉप भी मिल जाएगा, जिसके अंदर की हमें जो सिल्वर एक्सेंट है वो ग्रिल के अंदर मिल जाएगा, पहले ब्लैक था अब वो सिल्वर हो जाएगा, थोड़ी सी और एक शाइनिंग सी देने की कोशिश की गई है। अब इसके अंदर 16 नहीं 18 इंच के टायर्स हैं और इसमें अलॉय व्हील्स भी साथ में जोड़ दिए गए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। इंटीरियर की अगर बात करूँ तो फैब्रिक अपहोल्स्ट्री इसके अंदर जोड़ दी गई है, और सेफ्टी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और जोड़ दी गई, जिसके अंदर कि हमें 3-point सीट बेल्ट प्री टेंशनर मिल जाएगा और रियर पैसेंजर के लिए भी, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल विद रोल ओवर मिटिगेशन, चाइल्ड आइसोफिक्स, रोल केज, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर और जुड़ जाएंगी। ऑफ रोडिंग की बात करूँ तो इसके अंदर ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल भी हमें साथ में मिल जाएगा। कम्फर्ट की अगर बात करूँ तो इसके अंदर हमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, USB चार्जिंग पॉइंट, क्रूज कंट्रोल, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रॉनिक की और ऑटोमेटिक AC, इलेक्ट्रॉनिक ORVMs, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, ये बहुत जरूरी होता है ऑफ रोडिंग के लिए, नया फीचर जोड़ा गया जो कि वेलकम है। इंजन ऑप्शन की अगर बात करूँ तो LX के अंदर पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिल जाएंगे, डीजल के अंदर ही मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिल जाएंगे। अगर बात करूं लास्ट वाली जो कि पहली बार इसके अंदर आया है, वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट इसके अंदर के, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले की सुविधा मिल जाएगी। स्पीकर्स भी इसके साथ मिलेंगे 4+2 जो कि छत के ऊपर माउंट किए गए हैं। वॉइस कमांड और SMS रीड की सुविधा भी इसके अंदर मिल जाएगी, जिसके अंदर की ब्लू सेंस की जो ऐप टेक्नोलॉजी है महिंद्रा की वो भी इसके अंदर मिल जाएगी। एडवेंचर कनेक्ट की फैसिलिटी भी इसके अंदर हमें मिल जाएगी। इंजन की दोस्तों अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो इंजन इसके अंदर 2.0 लीटर का जो इंजन आ रहा है पेट्रोल में, 150 BHP की पावर, 300 Nm की टॉर्क के साथ जनरेट करता है, जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ अवेलेबल है। डीजल के अगर मैं बात करूँ तो 2.2 लीटर का 2184 cc का इंजन है, जो कि 350 RPM के ऊपर 130 PS की पावर जनरेट करता है, और 1680 से लेकर 2800 RPM के बीच का एक अच्छा खासा बड़ा बैंड उसके और 300 Nm के टॉर्क के साथ हमें मिलता है। 6-speed का मैनुअल और 6-speed का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा, दोनों इंजन ऑप्शन के अंदर हमें मिल जाएगा। अगर दोस्तों इस तरीके से देखें तो दो चीज़ें मेरे को समझ आती हैं इसके अंदर, कि इन्होंने जो नीचे एक वाले वेरिएंट है, जो छोटे वाले वेरिएंट है, उसके अंदर भी अपनी एक मौजूदगी जाहिर करने की कोशिश की है। उसके अंदर फीचर कुछ भी नहीं दिए, इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, सिर्फ मैनुअल की सुविधा दी है, ऑटोमेटिक की सुविधा नहीं है, और एक लिमिटेड से कलर ऑप्शंस भी उसके अंदर दिए हैं। छोटे अंडर 10 lakh के वेरिएंट भी देने की कोशिश की गई है, और जो फुल बेल्स एंड विसल वाला, जो असली जिसको बोल सकते हैं गाड़ी, यानी कि जो सड़क पे चले तो हमें कार का भी मजा दे, जिसके अंदर के इंफोटेनमेंट सिस्टम बढ़िया हो, फीचर्स अच्छे हों, सेफ्टी अच्छी हो, तो वो भी है, और ऑफ रोडर की सुविधा भी जो गाड़ी दे, वो सारा चीज़ अगर हमें चाहिए तो हमें ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। पेट्रोल और डीजल के अंदर हमें ऑटोमेटिक चाहिए तो भी हमें ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे, लेकिन एक गाड़ी रोड पर चलने वाली एक ठीक ठाक सी गाड़ी हमें देखने को चाहिए, जिसके अंदर की नई सारी चीज़ें देखने को मिले, नया डिज़ाइन देखने को मिले, तो हम नीचे वाले वेरिएंट्स भी ले सकते हैं। तो बताइएगा दोस्तों ये गाड़ी कैसी है, ये गाड़ी आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, नीचे कमेंट्स में बात करते हैं। लॉन्च की बात दोस्तों इसकी 2 अक्टूबर के गाड़ी लॉन्च की जाएगी, और दोस्तों इसके अगर राइवल्स की बात करूँ तो कोई खास राइवल नहीं है इसके, फोर्स गुरखा है जो कि ईयर एंड में, अब 2020 एंड में शायद उसके लॉन्च होने की भी, नई जो गाड़ी आ रही है उसके लॉन्च होने की भी आकांक्षाएँ संभावनाएँ बन रही हैं। परंतु अगर कहा जाए कि इस गाड़ी का कोई भी रियल कंपिटिटर अभी तक नहीं है, तो उम्मीद है कि ये गाड़ी कुछ अच्छा कर पाएगी आगे भी,
क्योंकि पेट्रोल की ऑप्शन और ऑटोमेटिक की ऑप्शन भी साथ में जुड़ गई है, जो कि एक अच्छी बात है। और इस गाड़ी के चाहने वाले एक अलग ही कैटेगरी है, अलग ही डिमांड वाले लोग हैं। रेगुलर गाड़ी ये यूज़ नहीं होती और रेगुलर डे टू डे यूज़ वाली गाड़ी भी नहीं है ये, तो जिनको पसंद है उनके पास ऑप्शंस और ज़्यादा होगी, फीचर्स ज़्यादा बन गए। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी खोजबीन करके ये सारी चीज़ें निकाली हैं। सीट पर लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।